अब चलते हैं अपने फेवरेट फाइलम कॉर्डेटा पे। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंक्शनल आर फंडामेंट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। मेन इंपॉर्टेंट है नोटोकॉर्ड, जहां से वर्ड आया कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड कौन सी ओरिजिन का, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल या एंडोडर्मल? मेसोडर्मल ओरिजिन का है नोटोकॉर्ड। इसके अलावा क्या क्या होगा यहाँ पे, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड पेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड पेरेंजियल गिल स्लिट्स, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो वही है सेम। दे पोजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं यहाँ पे, डॉर्सल, अभी तक वेंट्रल चल रहा था, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड पेरेंजियल गिल स्लिट्स, बायलेट, ये सब तो वही है। और स्पेशल फीचर क्या है मोस्ट, नोटोकॉर्ड। अब यहाँ पे एक और खास बात यह है कि जो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं ये उसमें भी होते हैं। इससे पहले वाला कौन सा था, हेमिकॉर्डेटा। तो क्वेश्चन आता है कि हेमिकॉर्डेटा और इनमें कॉर्डेट्स में कौन सा कॉमन फीचर है, तो वो है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का। हेमिकॉर्डेटा के पास नोटोकॉर्ड नहीं होती। अब यहाँ पे फोटो दे रखी है, इस फोटो में हमें ये तो पहचान में आएगा कि ये पोस्टनल टेल है, पूंछ, पोस्ट, ये पता चल रहा ना, पोस्टनल मतलब एनस के बाद वाला जो पार्ट है वहाँ पे एक टेल है, नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है और ये गिल स्लिट्स है जो कि आगे गिल से बना सकते हैं या फिर नर्व कॉर्ड जो है। यहाँ पे खास बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि नोटोकॉर्ड आगे है, नर्व कॉर्ड पीछे है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड या फिर वेंट्रल टू नोटोकॉर्ड। तो नर्व कॉर्ड पीछे यानी कि नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल टू नोटोकॉर्ड या नोटोकॉर्ड इज वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, समझ रहे हो ना। अब ये टेबल दे रखी है, ये बड़े काम किया। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में देखें तो नोटोकॉर्ड होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। सीएनएस जो है यहाँ पे डॉर्सल है, पीछे की तरफ हॉलो है और सिंगल है, जबकि यहाँ पे एकदम ऑपोजिट वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जबकि गिल स्लिट्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। हार्ट इज वेंट्रल, हमारा हार्ट देखो वेंट्रल बोले तो आगे की तरफ है और उनका डॉर्सल है पीछे की तरफ है, अगर हार्ट हो तो। पोस्ट एनल टेल यहाँ पे होती है पूंछ, जबकि यहाँ पे नहीं होती। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, जैसे वही बात लिखी है। नोटोकॉर्ड यहाँ पे होती है वेंट्रल टू नर्व कॉर्ड, वहाँ पे कॉर्डेट्स में नहीं होती। डॉर्सल सिंगल हॉलो सीएनएस है, यहाँ पे वेंट्रल डबल सॉलिड सीएनएस है। गिल स्लिट्स कॉर्डेट्स में है, इनमें नहीं है। हार्ट यहाँ पे कॉर्डेट्स में वेंट्रल है, इनके पास डॉर्सल है। पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट है। सर्कुलेशन कॉर्डेट्स में क्लोज है और इसमें नॉन कॉर्डेट्स में मोस्टली ओपन है। कहाँ कहाँ पे क्लोज देखने को मिला था हमें, एक तो मिला था एनलिडा में, एक तो मिला था एनलिडा में और एक सिफेलोपॉड मॉलस्क्स में, उसके अलावा सब में ओपन ही था। एनलिडा में भी एक एक्सेप्शन और आता है, लीच का, लीच में ओपन होता है। वहीं अगर हम इनकी बात करें, कॉर्डेट्स की बात करें, तो सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है एक्सेप्ट फॉर यूरोकॉर्डेट्स। अभी हम देखेंगे कॉर्डेट्स के तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो उसमें यूरोकॉर्डेट्स के पास क्लोज सर्कुलेशन एब्सेंट है, ओपन सर्कुलेशन है। रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे होते हैं कॉर्डेट्स में। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। अगेन हमें एक्सक्लूसिवली मैरीन का एग्जांपल मिल गया। इससे पहले कौन कौन देखे थे, अब तक हमने कौन कौन देखे हैं? एक तो हमने देखा है टीनोफोरा, एक हमने देखा है इकाइनोडर्मेटा, एक हमने देखा है हेमिकॉर्डेटा। इसके बाद यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इन यूरोकॉर्डेटा, अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के हिसाब से बांटा गया। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में हमेशा रहेगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में है और वो भी सिर्फ टेल तक लिमिटेड है, जबकि सिफेलोकॉर्डेटा में सर से लेकर पैर तक, सर से लेकर पूंछ तक और पूरी जिंदगी तक प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स यूरोकॉर्डेटा के दो एग्जाम्पल्स, एसीडिया और सल्पा और डोलियोलम, तीन एग्जाम्पल्स। और सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, इसी का दूसरा नाम एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट भी है। और यहाँ पे फोटो भी दिखा रखी है इसकी, एसीडिया की पहचानने को आ सकती है, गुमशुदा की पहचान। तो यूरोकॉर्डेटा के कौन कौन से एग्जांपल्स हो गए, एसीडिया, सल्पा, डोलियोलम, बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, एसीडिया, सल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, उसी के दूसरे नाम है। एक ही ब्रैंकियोस्टोमा और प्लूरोब्रैकिया, मेरे को कंफ्यूजन होती है तो उनको देख लेना। प्लूरोब्रैकिया जो है वो उसका टीनोफोरा का है और जबकि ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा का है। द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। नोटोकॉर्ड यहाँ पे सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में है, तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। पहले जो नोटोकॉर्ड थी वो वर्टिब्रल कॉलम बन चुकी है इन द अडल्ट्स। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्यों? सारे वर्टिब्रेट्स के पास नोटोकॉर्ड है कभी ना कभी, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में ऐसा नहीं हो रहा कि उनकी नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट्स के पास कुछ अलग खास चीजें भी हैं। वर्टिब्रेट्स हैव वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल तो हार्ट होता है, इनमें मस्कुलर हार्ट होगा विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स, चैम्बर्ड हार्ट होगा। किडनी है एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। और पेयर अपेंडेजेस हैं, मतलब दो या फिर चार के मल्टीपल्स में लिम्स या फिर फिन्स होंगी या फिर पंख होंगे। देख लेते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में, पहले तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दो सब फाइलम है जिनको मिला के हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं।
यूरोकॉर्डेटा को हम प्यार से ट्यूनिकेटा भी बुलाते हैं। हैबिटेट इन दोनों का ही एक्सक्लूसिवली मेरीन है। नोटोकॉर्ड की अगर देखें कहाँ का प्रेजेंट है तो ये सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, जबकि हेड टू टेल थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है। सर्कुलेशन यहाँ पे ओपन टाइप है, यहाँ पे क्लोज टाइप है। कहते हैं कि सिफेलोकॉर्डेटा में हार्ट एब्सेंट होता है और सर्कुलेशन क्लोज है, पता नहीं। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में मेंशन है। और यूरोकॉर्डेटा में एक्सक्रीशन के लिए न्यूरल ग्लैंड्स हैं, ये कोई नहीं पूछता। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स भी दोबारा बोल लेते हैं, डॉलियोलम, असीडिया और सेल्पा। असीडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शक्ल भी बनी हुई है एनसीईआरटी में और एक आधार क्वेश्चन भी आए हैं। ब्रैंकिस्टोमा इसमें एक एग्जाम्पल है। सिफेलोकॉर्डेटा में अगेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले कितने मिल गए, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा की क्या खास बात है, इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है और अडल्ट में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अडल्ट में वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है जो कि कार्टिलेजनस या फिर बोनी हो सकती है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है कि हार्ट वेंट्रल है, चैम्बर्ड है, क्लोज सर्कुलेशन है, किडनी चाहिए होती है एक्सक्रीशन या फिर ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, प्लस इसके इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, मतलब हाथ पैर हैं। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड व्हाइल द अदर थ्री आर करेक्ट। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल इन एसीडियंस। एसीडिया कौन है, यूरोकॉर्डेटा है। इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस बोले तो सिफेलोकॉर्डेटा, तो ये तो सही है, ये भी सही है, तो बस ये वाली गलत है ना। ह्यूमंस में कभी तो प्रेजेंट है वो, कौन सी स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो रही है। ह्यूमंस भी तो वर्टिब्रेट्स हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट हो रही है उसमें वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रेटा की डिविजन्स, वर्टिब्रेटा की दो डिविजन्स हैं। वर्टिब्रेटा खुद क्या है, एक सब फाइलम है भैया, उसकी दो डिविजन्स हैं, एनैथा और नैथोस्टोमेटा। एनैथा मतलब जॉ, तो जिनके पास जॉ नहीं है वो एनैथा, और जिनके पास जॉ है उनके पास उनका नाम हो गया नैथोस्टोमेटा। अब इन दोनों की मतलब एनैथा की एक ही क्लास है वह साइक्लोस्टोमेटा, और नैथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। इनकी वो भी इंपॉर्टेंट है कि डेजिग्नेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सुपर क्लास है कौन क्या है। इसकी दो सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस जिनके पास फिन्स हैं और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्ब्स हैं, हाथ पैर हैं। टेट्रा मतलब फोर, यानी कि फोर के मल्टीपल में हाथ पैर होंगे। इस पाइसेस जो कि एक सुपर क्लास है, इसकी अगेन दो क्लासेस है, कॉन्ट्रिक्टीज और ऑस्टिक्टीज। कॉन्ट्रिक्टीज बोले तो कार्टिलेजनस वाली, जिनके पास कुछ कार्टिलेज का बना हुआ होगा, और ऑस्टिक्टीज बोले तो बोनी वाली। वहीं टेट्रापोडा को देखें तो उसके पास चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। एक एक करके बढ़ते चलते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमेटा। All living members of class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. क्योंकि ये एनैथा को belong करता है तो उसके पास jaws तो नहीं है, sucking और circular mouth है। Their body is devoid of scales. इनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी काम करनी है, scales भी नहीं है, paired fins भी नहीं है, कुछ भी paired नहीं है। Cranium and vertebral column are cartilaginous. Cranium और vertebral column जो develop होंगी नोटोकॉर्ड से वो कार्टिलेज की होंगी। सर्कुलेशन क्लोज है, सारे उसमें वर्टिब्रेट्स में क्लोज ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैसे तो ये मरीन होते हैं बट दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। देयर लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। मतलब वैसे तो ये कहाँ रहते थे, वैसे तो ये ओशन में ही रहते थे, वहाँ से ये लोग फ्रेश वाटर में आए, इन्होंने अंडे दिए, अंडे हैच होके लार्वे बने, ये लार्वे वापस स्विम करके यहाँ पे आ गए, और जो उनके मम्मी पापा थे वो यहीं पे टपक गए, यहीं पे उनकी डेथ हो गई। ऐसी माइग्रेशन हमें सिर्फ पेट्रोमाइजोन में देखने को मिलती है। वैसे तो एनसीईआरटी ने इन अ कॉमन वे कहा है बट ये करता सिर्फ पेट्रोमाइजोन है। माइक्सिन जो कि दूसरा एग्जाम्पल है इसी का, वो नहीं करता, पेट्रोमाइजोन यानी कि लैम्प्रे ही करता है। तो ड्रॉइंग देखो इसकी, इसके पास सब कुछ अनपेयर्ड है, स्केल्स भी नहीं है, स्केल्स तो है ही नहीं, फिन्स भी पेयर्ड नहीं है, ये है इसका पेयर यहाँ पे नहीं है, गिल स्लिट्स हैं उनके पास कोई कवर नहीं है, कोई ओपर किलम वगैरह नहीं है, और इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड है, माउथ में जॉ नहीं है, सकिंग और सर्कुलर माउथ है, क्योंकि इनको किसी ना किसी फिश के ऊपर एक्टोपैरासाइट बनना है। पेट्रोमाइजोन का यहाँ पे शक्ल, यहाँ पे ड्राइंग दिखा रखी है, पेट्रोमाइजोन कहाँ, मरीन में रहता है, बच्चे दिन के लिए फ्रेश वाटर में जाता है, वहाँ पे मर जाता है, और उसके बच्चे वापस मरीन में आ जाते हैं अडल्ट बन के। क्लास साइक्लोस्टोम्स हैबिटेट एक्टोपैरासाइट, लिव इन पेट्रोमाइजोन में देखें तो दे लिव इन मरीन, स्पॉन इन फ्रेश वाटर एंड दे डाई, उसके बाद लार्वे आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द मरीन कंडीशंस। इसे कहते हैं एनएंड्रोमस माइग्रेशन, जहाँ पे रहते तो मरीन में है बट फ्रेश वाटर में जाते हैं स्पॉनिंग करने। इसी का ऑपोजिट होता है कैटाड्रोमस, जहाँ पे फ्रेश वाटर में रहते हों और मरीन में जाके वो करें स्पॉनिंग करें। बॉडी इनकी लॉन्गेटेड है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या है, गिल स्लिट्स हैं जो कि 6 टू 15 पेयर्स हैं। नंबर भी याद रखना, पूछा हुआ है, 6 टू 15 पेयर्स हैं। माउथ इनका सकिंग सर्कुलर टाइप का है, जॉज नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, गर्डल नहीं है, ट्रू जॉ नहीं है, स्केल्स नहीं है, फिन्स अनपेयर्ड है, बोन्स भी नहीं है, कार्टिलेज का बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है क्योंकि लार्वल स्टेज है कुछ। सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है ही। लार्वा, अच्छा इसके लार्वा का नाम भी देख लो, एमोसीट्स लार्वा, मतलब पहले के एग्जाम से पूछा हुआ एक आध बार। पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन इसके दो एग्जाम्पल्स है। पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे कहते हैं और माइक्सिन को हैगफिश, दो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और माइक्सिन। पेट्रोमाइजोन बोले तो लैम्प्रे और माइक्सिन बोले तो हैगफिश। इसमें से जो लैम्प्रे है वो एनएंड्रोमस माइग्रेशन शो करता है। दूसरी
कॉन्जेक्टीज दे आर मरीन एनिमल्स, अगेन एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन पता ना ऐसा एरोप्लेन टाइप सा जो कि फ्लूइड में मूवमेंट में हेल्प करता है, पता है मछली को लग नहीं दिखा. कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, नहीं पीना यार. माउथ इज लोकेटेड वेंचुअली, आगे की तरफ माउथ है जैसे हमारा है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, एक्सेप्शनल केस सेफेलोकॉर्डेट जैसा केस. गिल्स लिप्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम. द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. देयर जॉज आर वेरी पावरफुल. दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर्स दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग. मतलब ये सोते सोते भी इनको तैरते रहना पड़ेगा क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर्स नहीं है, ये डूब जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे शक्ल दिखा रही है स्कॉलिडॉन की, देख लेंगे. हार्ट इज टू चैम्बर्ड, सारे फिशेज में पाइसेज में टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होगा. इनके पास हार्ट में हमेशा कौन से टाइप का ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड या फिर डी ऑक्सीजनेटेड. तो हार्ट जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके ये भेजेगा गिल्स के पास, और फिर गिल्स से ऑक्सीजनेट होकर वो पूरी बॉडी में वैसे ही चलाता है. फिर बॉडी से जो डी ऑक्सीजनेट होगा ब्लड वो वापस हार्ट के पास आएगा. तो हार्ट हमेशा कौन सा ब्लड कैरी करेगा, डी ऑक्सी ब्लड. इसमें भी कोई मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड की. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जाम्पल टॉर्पीडो, एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग्स जैसे कि ट्राइगॉन. दे आर कोल्ड ब्लडेड पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स दैट इज अ लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस आर सेपरेट. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर वीवी पैरस. क्या क्या कह दिया इसने, एक तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है कुछ कुछ लोगों के पास जैसे कि टॉर्पीडो, पॉइजन स्टिंग है जैसे कि ट्राइगॉन, इसे टॉर्पीडो कहते हैं इलेक्ट्रिक रे, और इसको ट्राइगॉन को कहते हैं स्टिंग रे. दे आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड जो कि अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, पॉइकिलोथर्मस कहते हैं ऐसे लोगों को. द लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. सेक्स से सेपरेट होंगे. मेल्स के पास एक स्पेशल चीज है क्लास्पर्स. क्लास्पर्स क्या है, ये जैसे मतलब एक तरह से पीनस की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में इंसेमिनेशन में तो हेल्प नहीं करता, मतलब वैसे पीनस की तरह मान लो, उसी की पीनस की तरह मान लो, बस एनाटॉमिकली थोड़ा डिफरेंट है. और ये पेल्विक फिन्स की मॉडिफिकेशन से बना है क्लास्पर्स, जो कि उसमें सेक्स में हेल्प करेगा. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेनी ऑफ देम आर वीवी पैरस. इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पैरस है. एग्जाम्पल स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, कुत्ता मछली. प्रिस्टिस सॉ फिश, सॉ पता ना किसे कहते हैं, सॉ कहते हैं दराती को, जो ऐसा एक औजार नहीं होता जिसके पास ऐसे 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 दांत होते हैं, उसे कहते हैं सॉ. कार्केरेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, सारी शार्क यहाँ पे आएगी. ट्राइगॉन स्टिंग रे, और इसके अलावा टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे. यहाँ पे दो लोगों की शक्लें भी दिखा रखी हैं. स्कॉलियोडॉन यानी कि डॉगफिश, इसमें आप देख सकते हो फिन्स इसके पास पेयर्ड है, स्केल्स वगैरह सब कुछ है. माउथ इसका कैसा है, वेंट्रल है. इसके पास स्केल्स कैसे हैं, प्लेकॉइड स्केल्स से. इसका भी मुंह देखो, इसका तो अजीब से इसके दांत है, यहाँ पे आंखें हैं. इनके पास जो गिल्स हैं, गिल्स के पास ओपरक्यूलम नहीं है, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है, हमेशा तैरते रहेंगे बस. एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं. स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कार्केरेडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन स्टिंगरे. चार पांच बार बोलो तब जाके याद होगा. और सिक्स थीज, इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, ये एक्सक्लूसिवली नहीं है. बोनी एंडोस्केलेटन होगा इनका. बॉडी अगेन स्ट्रीमलाइंड है. माउथ इज मोस्टली टर्मिनल. दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स, फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरक्यूलम. वहाँ पे क्या था, गिल्स वर सेपरेट एंड नॉट कवर्ड बाय ओपरक्यूलम ऑन ईच साइड. स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स, वहाँ पे क्या था, प्लेकॉइड स्केल्स. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोएंसी. तो यहाँ पे इनको हमेशा तैरते रहना नहीं पड़ेगा, ये रुक सकते हैं. हार्ट इज टू चैम्बर्ड अगेन, कोल्ड ब्लडेड अगेन, सेक्स इज सेपरेट. फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल है, मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमने कहाँ कहाँ देख लिया अभी तक हमने देखी टीनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, ऑस्टिक्थीज में, और एक सिफेलोकॉर्डेटा में, और एक अर्थवॉर्म में भी देखी थी जहाँ पे कुकून में होती है फर्टिलाइजेशन, और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट ही है. चलो एग्जाम्पल क्या है, मरीन में और फ्रेश वाटर में, एरेक्टेरियम में. मरीन के एग्जाम्पल्स हैं एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ऐसे फॉरन जैसे नेम है. फ्रेश वाटर में लैबियो, रोहू, काटला, क्लैरियस, मागुर, वो होती ना मागुर मछली जिस कैटफिश जिसे कहते हैं क्लैरियस, और एक काटला आदि रख लो, और एक लैबियो जो कॉमनली खाई जाती है रोहू फिश, जो नहीं खाते उनका कुछ नहीं कर सकते. एक्वेरियम वाली फिशेज बेटा, फ्लाइंग फिश और टेरोफाइलम एंजल. नाम याद रखने का कोई तरीका हो तो कर लेना, तो बार बार बोलो. और क्या, मैरीन एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स. यहाँ पे शक्लें बनी हुई है, एक तो फ्लाइंग फिश की शक्ल बनी है एक्सोसीटस ये, और एक सी हॉर्स की शक्ल बनी हुई है. सी हॉर्स को तो पहचानते हो कि बच्चा, हिप्पोकैम्पस और हिप्पोकैम्पस और काटला है. अरे यार, ये काटला मछली है और ये हिप्पोकैम्पस है. हिप्पोकैम्पस बोले तो मरीन है, और ये जो है वो फ्रेश वाटर है. अब अपने हिसाब से पढ़ते हैं इनको. नेथोस्टोमेटा में हमने देखा था कि पाइसेस नाम की एक सुपर क्लास थी जिसकी दो क्लासेस थी, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज. इनके कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. कॉन्ट्रिक्थीज एक्सक्लूसिवली मरीन है, जबकि मरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकती हैं. स्ट्रीमलाइन, दोनों की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है. एंडोस्केलेटन की बात करें तो कॉन्ट्रिक्थीज में कार्टिलेज का बना है, जबकि ऑस्टिक्थीज में बोन्स का बना है. नॉस्ट्रल की पोजीशन और माउथ की पोजीशन, नॉस्ट्रल की पोजीशन तो ऐसे है नहीं, वेंट्रल है, इसकी डॉर्सल है. माउथ की पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रिक्थीज में वो वेंट्रल है, आगे की तरफ है, और ऑस्टिक्थीज में टर्मिनल है, यानी कि ऐसे है, और उनमें ऐसे है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, जबकि नोटोकॉर्ड यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है. गिल्स लिट्स 5 to 6 होंगे, सेपरेट होंगे, जबकि ऑस्टिक्थीज में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं ऑन ईच साइड,
ओपरकुलम की बात करें तो ओपरकुलम कहाँ प्रेजेंट है? ऑस्टिक्टीज में है, कॉन्ट्रैक्टीज में नहीं है। ऑस्टिक्टीज में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। स्केल्स की बात करें तो यहाँ पे लैकोइड स्केल्स है, माइन्यूट लैकोइड स्केल्स, और यहाँ पे साइक्लॉइड या फिर टीनॉइड स्केल्स हैं। ऑस्टिक्टीज में साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स और कॉन्ट्रैक्टीज में फ्लैकोइड स्केल्स। टीथ के बारे में यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि टीथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ आर बैकवर्ड डायरेक्टेड मॉडिफाइड फ्लैकोइड स्केल्स इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टीज। एयर ब्लैडर्स यहाँ पे नहीं है, कॉन्ट्रैक्टीज में नहीं है, जबकि ऑस्टिक्टीज में है, जो कि उसको बायंसी प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टीज को कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, जबकि इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं, नहीं डूबेंगे। हार्ट जो है उसकी बात करें तो वही है, दो चैम्बर्ड हार्ट है, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल। हार्ट हमेशा ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, डॉक्सी मतलब डीऑक्सीजनेटेड। दोनों ही कोल्ड ब्लडेड है, पॉइकिलोथर्मस है, सेक्सेस दोनों में ही सेपरेट है, डायशियस कंडीशन है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इनमें कॉन्ट्रैक्टीज में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जबकि कॉन्ट्रैक्टीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। कॉन्ट्रैक्टीज जो है मोस्टली वीवी पैरस है, वीवी पैरस जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, और जो ऑस्टिक्टीज है वो ओवी पैरस है। डेवलपमेंट दोनों में ही डायरेक्ट है, कोई लार्वा वार्वा नहीं है। प्लास्पर्स बताया था ना, पीनिस जैसा जो होता है, किसमें होता है वो, शार्क वगैरह में। मेल पेल्विक फिन्स की मॉडिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्टीज में मिलता है, ऑस्टिक्टीज में नहीं मिलता। क्लोएका तो छोड़ो, एक्स्ट्रा चीज़ें छोड़ो। कॉन्ट्रैक्टीज की कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। इनकी स्किन टफ है, जॉज पावरफुल है, और ये प्रेडिशियस है, ऐसी लिखा हुआ था एनसीआरटी में, लिख दिया। इसके बाद एग्जांपल्स, टॉर्पीडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं। ट्राइगॉन के पास पॉइजन स्टिंग है, इसको इलेक्ट्रिक स्टिंग रे कहते हैं, इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। कैकेरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, स्कॉलियोडॉन डॉग फिश, और पिस्टिस सॉ फिश। इसके बाद एक और डिफरेंस है कॉडल फिन्स की। कॉडल मतलब पीछे वाली फिन्स। इनकी हेट्रो सर्कल होती है, कॉन्ट्रैक्टीज की हेट्रो और ऑस्टिक्टीज की होमोसर्कल। ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2020 में इसके ऊपर, इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे। इनके एग्जांपल्स देखें ऑस्टिक्टीज के, तो वो मेरीन है। मेरीन वाले कौन कौन से? एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स। फ्रेश वाटर, लेबियो, रोहू, काटला, क्लैरियस, मागुर। एक्वेरियम वाली, बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजल फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा? इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल, करेक्ट बताना है, ट्रू बताना है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, इसमें कॉर्डेट्स में। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। दो स्टेटमेंट्स बतानी जो कि सही हो। तो हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड कहाँ पे होती है? सेफेलोकॉर्डेटा में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, तो ये बात तो सही है। उसके बाद वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, सीएनएस नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल और हॉलो है, ये भी सही है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सबफाइला, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आना चाहिए। यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा लिखा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो टू और थ्री वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही हो गई। टू और थ्री किसमें? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 6 to 15 पेयर्स ऑफ, लिखा क्वेश्चन आया ना, हेट्रोसिकल कॉडल फिन्स, ये किसमें होंगे? कॉन्ट्रैक्टीज में। एयर ब्लैडर किसके पास होगा? ऑस्टिक्टीज के पास। पॉइजन स्टिंग किसके पास होगा? ट्राइगॉन के पास। और 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, वो पूरी लेंगी है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, ऐसा किसमें होगा? साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोमेटा, एनाथा वाला जो थे। 6 to 15 पेयर्स ऑफ बिना ओपरकुलम वाले गिल स्लिट्स प्रेजेंट थे, अनपेयर्ड। तो 48 का क्या होगा? ए का टू तो डी ऑप्शन में है, बी का थ्री है, हेट्रोसिर्कल कॉन्ट्रैक्टीज, हाँ ही है, फिर डी ऑप्शन हो गया। अ जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोसीट्स लार्वा, इसलिए लार्वे का नाम लिख दिया था वहाँ पे, एमोसीट्स लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब यहाँ पे खास बात यह है कि माइक्सिन और पेट्रोमाइजोन दोनों का नाम है, तो यहाँ पे हमें पेट्रोमाइजोन ही करना है। ऑल्दो एनसीईआरटी में कॉमनली उस पूरी क्लास के लिए कहा गया ये प्रोसेस पूरी क्लास के लिए कहा गया, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ पेट्रोमाइजोन शो करता है। और एनसीईआरटी में आया हुआ तो याद रखना कि नीट में आया हुआ तो इसलिए याद रखना कि सिर्फ पेट्रोमाइजोन शो करता, माइक्सिन नहीं करता। मेरीन कार्टिलेजिनस फिश विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, कार्टिलेजिनस है तो कौन होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्टीज होनी चाहिए, मरीन एक्सक्लूसिवली मरीन तो होते हैं। प्रिस्टिस ट्राइगॉन टॉर्पीडो और स्कॉलिडॉन, प्रिस्टिस डॉग फिश है, ट्राइगॉन है वो स्टिंग रे, टॉर्पीडो है इलेक्ट्रिक रे, और स्कॉलिडॉन है, प्रिस्टिस था सॉफिश, प्रिस्टिस सॉफिश है और स्कॉलिडॉन डॉग फिश है। तो हमारा इलेक्ट्रिक वाला कौन हो गया? टॉर्पीडो। अब चलते हैं हमारे दूसरे सुपर क्लास की तरफ, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का पहला मेंबर है एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मींस ड्यूअल एंड बायोस मींस लाइफ, मतलब ये पानी और एक्वेटिक कंडीशंस दोनों में रह सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, जैसे कि फ्रॉग में नहीं होती, एडल्ट फ्रॉग में नहीं होती, सेलेमेंडर में होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, स्केल्स एब्सेंट है। आईज हैव आईलिड्स, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका पता नहीं कॉमन ओपनिंग है जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, यूरिनरी सिस्टम के भी यानी कि यूरिया वगैरह, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के भी मतलब गैमेट्स भी यहीं से बाहर निकलते हैं। एक ही चीज इसके पास। ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन किसके पास? बड़े माध्यम है, गिल से भी, लंग से भी, स्किन से भी। हार्ट इज थ्री चैम्बर, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल, तो इसके पास ब्लड की मिक्सिंग होती है, इसके पास
मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है, हार्ट मिक्स ब्लड कैरी करता है। देर आर दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड सिर्फ हमें दो ही मिलेंगे, एक एव्स और मैमल्स, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, अगेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाला मिल गया। और ये आखिरी मेंबर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाली लिस्ट का, दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। हमें पता ना यहाँ पे इसका एग्जांपल तो फ्रॉग आता है, फ्रॉग में टेडपोल से फ्रॉग बनता है, तो याद रही जाएगा ना कि इनडायरेक्ट फर्टिलाइज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। इनके पास कोई कान नहीं है, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक टिम्पैनम है, टिम्पैनम पता है ना वो ईयर की जो होती है, ईयर ड्रम, सिर्फ इनके पास ईयर ड्रम है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बूफो टोड राना फ्रॉग हाइला ट्री फ्रॉग सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। बूफो टोड राना हमारा जो कॉमन फ्रॉग है वो राना टिग्रीना कहलाता है, हाइला ट्री फ्रॉग और सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, जो कि ऐसे सामने से दिखता है। इन सब में से सिर्फ एक इक्थियोफिस है जिसके पास लिम्स नहीं है। यहाँ पे शक्लें देख लो, फ्रॉग तो पता ही है और ये ऊपर वाला जो है वो सेलेमेंडर है, वैसे तो छिपकली गिरगिट लग रहा होगा, तो आपको शक्ल दिखा के पूछ सकते हैं कि ये कौन से फाइलम को, सॉरी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, तो ये एम्फीबिया को बिलोंग करता है। दूसरा आते हैं रेप्टिलिया, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। हियर रेप्टर और रेप्टम मींस टू क्रीप और क्रॉल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, देयर बॉडीज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। इनके पास स्केल्स हैं जबकि एम्फीबिया के पास स्केल्स नहीं थे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, सिर्फ एक टिम्पैनम है जो कि कान को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, हार्ट इज यूजुअली थ्री चैम्बर्ड, अगेन लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन जिसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्मस, यानी कि कोल्ड ब्लडेड है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, अपने स्केल्स को शेड भी कर सकते हैं कुछ कुछ लोग। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कोई लार्वा यहाँ पे नहीं बन रहा, और अब आगे के जो मेंबर्स होंगे उनमें भी कोई लार्वा नहीं बनेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। इसके एग्जांपल्स बड़े सारे हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। पहले एग्जांपल टर्टल, पहले तो हमें ये भी कई लोगों को नहीं पता होता कि टर्टल और टॉर्टोइस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। टर्टल बोले तो केलॉन और टॉर्टोइस बोले तो टेस्ट्यूडो। कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, ये तो ईजी है। एलिगेटर एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस जो हमारी कॉमन जो छिपकली होती है, वॉल लिजर्ड हेमीडेक्टाइलस। पॉइजनस स्नेक्स में तीन लोग हैं, नाजा कोबरा, पेंगारस ग्रेट और विपेरा वाइपर। फिर से देखेंगे इनके एग्जांपल्स। क्लास एज, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स और बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, दे पोजेस अ बीक, यहाँ पे टीथ नहीं होते इनके पास, बीक है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनकी जो आगे वाली जो हाथ होते वो पंख बन चुके हैं। हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, इनकी बॉडी में कोई स्केल्स नहीं है, बस हाइंड लिम्ब में स्केल्स हैं। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। स्किन इज ड्राइड विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट, लाइन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। क्वेश्चन में आता है कि टिप ऑफ द टेल, तो गलत होता है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी ग्लैंड्स नहीं है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, बोनी स्केलेटन होगा ऑब्वियसली। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज, स्पेशल बात इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं जो कि इनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड, जो कि हमने कहाँ पढ़ा है, कॉकरोच में होता है क्रॉप और गिजार्ड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच और बर्ड्स में क्या कॉमन कैरेक्टर है, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, अभी तक हमने फोर चैम्बर्ड एक ही पढ़ा था, क्रोकोडाइल। दे आर वार्म ब्लडेड, पहली बार वार्म ब्लडेड देखने को मिला है, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, तो होगी, इसमें खास बात क्या है, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओवीपेरस यानी अंडे देते हैं ऑब्वियसली, और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसमें देखो एयर सैक्स का क्या काम है, लंग्स है ना, लंग्स के साथ ये एयर सैक्स जुड़े हुए हैं जो कि बस एडिशनल एयर को, मतलब अपने अंदर एयर को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लाई करने में एयर की कमी पड़ सकती है ना इनको ऑक्सीजन की, तो इसलिए सिर्फ रेस्पिरेशन को ही सप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि क्या एयर सैक्स में गैसेस एक्सचेंज होता है, नहीं, ये सिर्फ एक एडिशनल चैम्बर्स है जहाँ पे एक्स्ट्रा एयर स्टोर हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे बर्ड बनी यानी ओफ्रॉन बोले तो वल्चर, स्ट्रूथियो बोले तो ऑस्ट्रिच, सिटैक्यूला यानी कि पैरट, और पैवो यानी कि अपना नेशनल बर्ड पीकॉक। एग्जाम्पल्स में कॉर्वस क्रो कौवा, कोलुम्बा पिजन, सिटैक्यूला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक और एक्टिनोडाइट्स पेंगुइन, न्यूफ्रॉन वल्चर। आगे बढ़ते हैं, फिर से आएंगे इनके एग्जाम्पल्स पे, चिंता मत करो। क्लास मैमेलिया, फाइनली लास्ट क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलराइज कैप्स, ये हर टाइप की वैरायटी मिल जाएंगे आपको, पोलराइज कैप्स, डेजर्ट पहाड़ जंगल ग्रासलैंड अंधेरी गुफाएं रोड घर सब कुछ लिख दो। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर जो कहीं हमें देखने को नहीं मिलेगा, मेमोरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, तो इसलिए यंग वंस की अच्छी केयर होती है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स विच आर अडेप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग बरोइंग स्विमिंग फ्लाइंग, कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। स्किन ऑफ द मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, बाल किसी के पास नहीं था अभी तक। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ने, अभी तक जितने भी लोग थे उन सबके पास पिन्ना नहीं था, कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं था, उनके पास बस एक टिम्पैनम था जो कि उनका ईयर रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है, यानी कि कौन सा डेंटिशन कहते हैं इसको, हेटरोडोंट डेंटिशन, यहाँ पे हेटरोडोंट डेंटिशन प्रेजेंट है, इसके अलावा थीकोडोंट भी है यहाँ पे।
और एक और स्पेशल फीचर है यहाँ पे, जहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे इनके पास डायफ्राम होता है जो कि और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, वाओ, होमियोथर्मस वार्म ब्लडेड, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वीवीपैरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। वो एक्सेप्शन कौन सा है? ऑर्निथोरैंकस, एक इकलौता ओवीपैरस है, ऑर्निथोरैंकस पेरी द प्लैटिपस, वो देखा ना, फीनियस एंड फर्ब, पेरी द प्लैटिपस जिसके ऐसे जो बत्तख जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा, वो है जो कि अंडे देता है, उसके पास मेमरी ग्लैंड्स हैं इसलिए वो मैमल है, अदरवाइज वो अंडे देता है, बाकी सारे बच्चे देते हैं। इनके नाम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैक्रोपस कंगारू, मार्सुपियल्स होते हैं ना वो, मैक्रोपस नाम है, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स जो कि बैट चमगादड़ रह सकता है, कैमेलस कैमल, मैकाका मंकी, रैटस रैट, कैनिस्टोस नहीं होगा डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फाइनस डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल। तो देख रहे हो, अगर मैं पूछूं कि डॉल्फिन वेल और शार्क में से कौन सी फिश है, तो सिर्फ शार्क है जो कि फिश है, मतलब पाइसेस में आती है, बाकी ये लोग तो मैमल्स हैं, डॉल्फिन और ब्लू वेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन। अब हम टेट्रापोडा की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, अब समझ में आएगा अच्छे से। एम्फीबिया रेप्टिलिया इज मैमिलिया, हैबिटेट एम्फीबिया का एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं तभी इसको एम्फी बोलते हैं। रेप्टिलिया मोस्टली टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, पानी की इनको जरूरत नहीं है। एम्फीबिया को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है, ये अपने अंडे को उसमें नहीं दे सकते, ऐसे खुले में जमीन पे नहीं दे सकते, इनको अपने अंडे को पानी में ही देना पड़ेगा, अदरवाइज इनके अंडे सूख जाएंगे। एव्स एरियल हवा में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, मैमल वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में रह लेते हैं। स्किन की बात करें तो एम्फीबिया की स्किन मॉइस्ट है विदाउट स्केल्स, जबकि रेप्टिलिया की स्किन ड्राई और कॉर्निफाइड है। स्किन एम्फीबियंस की मॉइस्ट है विदाउट स्केल्स, इनकी ड्राई, इनके पास वो होता है ना म्यूकस की कोटिंग होती है स्किन पे एम्फीबियंस के पास, जबकि रेप्टाइल्स की बात करें तो ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन है। बर्ड्स की बात करें तो ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड्स एट टेल बेस, जबकि हमारे में स्पेशल फीचर है मैमल्स में कि उनके पास हेयरी स्किन है, स्किन पे हेयर्स हैं, ऑयल और स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्केल्स एम्फीबियंस के पास नहीं होते, अरे एम्फीबियंस के पास नहीं होते, सिर्फ इनके पास है, सिर्फ रेप्टाइल्स के पास एपिडर्मल स्केल्स हैं, बाकी सबके पास नहीं है। बर्ड्स में हाइंड लिम में स्केल्स होते हैं, बाकी कहीं स्केल्स नहीं होते, फोर लिम तो विंग्स ही बन चुके हैं। पिना यानी कि एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो इनके पास तो है नहीं, ईयर के नाम पर सिर्फ टिम्पैनम है इनके पास, रेप्टाइल्स के पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक हम ही है जिनके पास पिना है, एक्सटर्नल ईयर पिना है, जबकि बाकी सबके पास सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनम है जो कि उनके कान को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिम्स टू पेयर्स हैं मोस्टली के पास, एक इक्थियोफिस है जिसके पास लिम्स नहीं है। रेप्टाइल्स में मे भी प्रेजेंट, अगर हो तो दो पेयर ही होगा, जैसे सांप वगैरह तो उसमें नहीं होगा। बर्ड्स में बात करें तो ये लिम्स की मॉडिफिकेशन है कि फोर लिम्स फ्लाइंग के लिए मॉडिफाइड है, जबकि हाइंड लिम्स किसी और चीज़ के लिए मॉडिफाइड होगा, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, या फिर किसी डाली को पकड़ने के लिए, जैसे कि बर्ड्स लोग एकदम तार को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, सो भी जाते हैं, तो वो भी एक मॉडिफिकेशन है हाइंड लिम की। मैमल्स की बात करें तो टू पेयर्स ऑफ लिम्स हैं जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, ग्लासपिंग, किसी भी चीज़ के लिए मॉडिफाइड हो सकते हैं। हार्ट की बात करें तो यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स की बात करें तो भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, तो इनमें फर्क क्या है? इसमें क्या है कि ये थ्री चैम्बर्ड हार्ट ऐसे है, सपोज दो ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में क्या है कि दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है तो, बट यहाँ पे एक इनकम्प्लीट सा सेप्टा है ऐसा, मतलब उसने कम्प्लीटली उसको बांट नहीं रखा, बट एक इनकम्प्लीट सेप्टा है। क्रोकोडाइल्स की बात करें तो उनके पास बिल्कुल ही फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स। वैसे ही बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। टीथ की बात करें तो सबके पास है, सबके पास दांत होते हैं। बर्ड्स के पास नहीं होते, उसके पास चोंच होती है, उसके पास दांत नहीं होते। सर्कुलेशन, अच्छा अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो वहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स दोनों में डबल सर्कुलेशन है, बट क्योंकि ब्लड मिक्स हो रहा है तो पार्शियल डबल सर्कुलेशन है। एव्स और मैमल्स में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। एम्फीबिया और मैमल्स में दोनों में ही ब्लड वेंट्रिकल्स में मिक्स होता है, जबकि एव्स और मैमल्स में अलग अलग होता है। लेफ्ट वाले पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और राइट वाले पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। किसी बोलना, हाँ जो अपने वो हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं, ये दोनों भाई लोग कोल्ड हैं, जबकि हमारे हम जो बर्ड्स और मैमल्स हैं, वी आर हॉट, हम वार्म ब्लडेड हैं, होमियोथर्मस हैं। आरबीसी जो हैं सब में, हमें मैमल्स को छोड़ के बाकी सब में ओवल, मतलब एकदम उल्टी होती है, ओवल बाय कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड, जबकि हमारे में राउंड, बाय कॉन्केव और ए न्यूक्लिएटेड। आपको पता है हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बाय कॉन्केव शेप की होती है। बाय कॉन्केव पता है ना, मिरर देखा, लेंस देखा होगा, बाय कॉन्केव ऐसा होता है और बाय कॉन्वेक्स ऐसा होता है। एमनियॉन, इसमें दो टर्म्स आती है, एक होता है एनएमनियॉट, एनएमनियॉट जिसके पास एमनियॉन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक तरह से इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं एनएमनियॉट्स और एक होते हैं एमनियॉट्स। एक एम्फीबियन ही है जो कि एनएमनियॉट है, इसीलिए यही रीजन है कि ये ऐसी जमीन पर अपने अंडे नहीं दे सकता, इसको अपने अंडे देने हैं तो फिर ये पानी में ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर रखेगा तो सूख जाएंगे, जबकि बाकी सब में इनकी अगर बात करें बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करें तो उसके अंदर एक एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है जो कि उसको ड्राई होने से बचाएगा, मतलब अंदर का जो बेबी है उसको डेसिकेट होने से, डिहाइड्रेट होने से बचा लेगा, धूप में भी रख दो तो भी। और इनके अंडों में प्लस वो भी होती है कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, कैल्शियस शेल होता है तो वो भी उनको यू नो बचाता है धूप में। और हमारे में भी एमनियॉन है, एमनियोटिक फ्लूइड तो होता ही हमारे में भी। फर्टिलाइजेशन, सिर्फ एक एम्फीबियन है जिसमें एक्सटर्नल है, बाकी सब में इंटरनल है। एक एम्फीबियन
मतलब ये तीनों एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स तीनों ही ओवी पैरस है, अंडे देते हैं, जबकि हम लोग जो है वीवी पैरस है, एक्सेप्ट फॉर प्लैटिपस, पेरी द प्लैटिपस बोले तो, और नीथो राइंकस। रेस्पायरेशन फ्रॉग्स में हर जगह से हो जाता है भैया, स्किन से, लंग से, गिल से, बकल कैविटी, मुंह से। आपने देखा होगा ना फ्रॉग जो एकदम अपना मुंह फुला लेता है ब्रीथ करने के लिए, तो ये वो है बकल कैविटी से ब्रीथ कर रहा है। गिल्स भी है उसके पास अगर पानी में ब्रीथ करना हो, लंग्स भी हैं, स्किन अपनी मॉइस्ट स्किन से भी वो एयर अंदर ले सकता है, बाकी सब लोग लंग्स से ही रिस्पायर करते हैं। क्लोएका हमने लिखा तो नहीं वैसे, बस एक क्लोएका उसके लिए लिखा है फीमेल के लिए, बट इन तीनों के पास क्लोएका होता है जबकि हमारे पास नहीं होता, मैमल्स के पास नहीं होता। डेवलपमेंट बस एक एम्फीबियन है जहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्यों? क्योंकि आपने देखा ना टेडपोल से फ्रॉग बनता है, फ्रॉग जैसे भी होता है, टेडपोल से फ्रॉग बनता है, तो ये तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, तो ऐसा सिर्फ एम्फीबियन से होता है, बाकी सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट ही होता है। सेक्सेस तो सब में सेपरेट है, उसके स्पेशल फीचर्स है कुछ। एम्फीबियंस जो है वो एम्फी मतलब डुअल और बायो मीन्स लाइफ, बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों कंडीशंस में रह सकते हैं। बॉडी इनकी डिविजिबल है हेड और ट्रंक में, टेल मे बी प्रेजेंट, आईज हैव आईलिड्स, वैसे तो सबके पास होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब एम्फीबियन से पहले वाले जो लोग थे उनके पास नहीं थी, अभी है। यहाँ पे एक क्लोएका इज द कॉमन चैम्बर फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एग्जाम्पल्स हैं बूफो टोड, राना फ्रॉग राना टिग्रीना, हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन। फिर से बोलते हैं बूफो बूफो टोड, राना फ्रॉग हाइला ट्री फ्रॉग, सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर और इक्थियोफिस लिम्बलेस फ्रॉग। रेप्टाइल्स इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, बिकॉज ये रेंग रेंग के चलते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोशन शो करते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड स्किन देयर शेड देयर स्किन एज कास्ट, दे आर द फर्स्ट एमनियॉट्स, क्योंकि एम्फीबियंस तो एनएमनियॉट्स है ना, उनके पास एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है। एमनियॉन पता है ना, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक उसके अराउंड एम्ब्रियो के अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं केलॉन टर्टल, टर्टल जो है आपको टर्टल और टॉर्टल के पीछे फर्क पता है, टर्टल जो होता है वो साइज में छोटा होता है और वो पानी में ही रहता है हमेशा, जबकि टॉर्टल जो है वो बाहर रहता है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा बड़ा सा होता है वो। तो केलॉन क्योंकि पानी में रहता है तो उसके जो फोर लिम्स होंगे वो फ्लिपर्स की फॉर्म में वो होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, जबकि टेस्टुडो यानी कि टॉर्टल जो है वो बड़ा सा होता है, उसके पास बड़े बड़े हाथ पैर होते हैं। टेस्टुडो केलॉन टर्टल टेस्टुडो टॉर्टल, टेस्टुडो और टॉर्टल का तो नाम भी मैच ही कर रहे हैं। कैमेलियन ट्री फ्रॉग सॉरी कैमेलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर, अरे मायरा। अभी रेप्टिलिया में एक तो वो देख लेते हैं लिजर्ड्स कौन कौन से टाइप के हैं, तीन टाइप के हमारे पास लिजर्ड्स अवेलेबल हैं। एक तो वॉल लिजर्ड है कॉमन छिपकली हेमी डक्टाइलस, एक गार्डन लिजर्ड है कैलोट्स, और एक ट्री लिजर्ड है कैमेलियन। वॉल लिजर्ड हेमी डक्टाइलस, गार्डन लिजर्ड कैलोट्स और ट्री लिजर्ड कैमेलियन। जो गिरगिट हम कहते हैं ना, एक होता है वो बड़ा सा जो गिरगिट होता है ग्रीन कलर का, उसे कैमेलियन कहते हैं। सॉरी यहाँ पे बना हुआ है कैमेलियन, हाँ ये हो रहा है, ये है कैमेलियन जिसे हम क्रिकेट कहते हैं, जो कि अपने रंग बदल सकता है, जो कि हमारा वो है ट्री पेड़ पे बैठा ना, ये तो ट्री लिजर्ड हो गया। वॉल लिजर्ड जिसे हम कॉमनली छिपकली कहते हैं, और एक और है गार्डन लिजर्ड कैलोट्स। इसके बाद बर्ड्स पे आते हैं, अरे एव्स की क्या क्या खास बातें हैं, दे हैव फेदर्स दे कैन फ्लाई, बच्चा बच्चा जानता है, इनके पास दांत नहीं है, इनके पास चोंच है, बीक, स्केलेटन इज 100% ऑसिफाइड, लॉन्ग बोन्स हॉलो हैं, एयर कैविटीज हैं जो कि फ्लाई करने में हेल्प करेंगी, जो कि मतलब यू नो बायंसी प्रोवाइड करेंगी एयर में। दे हैव एडिशनल चैम्बर्स डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड, जो कि फूड को स्टोर करने में या जो भी है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, जो कि एडिशनल एयर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स की बात करते हैं तो फ्लाइटलेस वाली जो बर्ड्स हैं, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच एप्टिनो डाइट्स, ये दो एग्जांपल्स तो दिए हुए हैं। स्ट्रूथियो बोले तो ऑस्ट्रिच, वो तो ऑब्वियसली फ्लाइटलेस है, और पेंगुइन भी उड़ता तो है नहीं, उसका नाम है एप्टिनो डाइट्स। मुझे पता है गंदे गंदे नाम है, बट बार बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। एप्टेरिक्स ऐसे दिया तो नहीं, वाह कीवी, और इसके अलावा रिया और इम्यू जैसे भी बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। अरे कहाँ से आ गया बीच में, उड़ने वाली बर्ड्स के बारे में बात करें, पैवो पीकॉक कॉर्वस क्रो, इनके तो इजी नाम है, सिटैक्यूला पैरट तोता, न्यूफ्रॉन वल्चर, ये लोग तो उड़ सकते हैं। इसमें यह है कि जो जो बर्ड्स उड़ सकती हैं उनमें कील कील के ई ई एल कील जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनमें कील लेस डेवलप्ड होता है। और पेंगुइन अगेन पानी में रहता है तो उसके फ्लिपर्स फोर लिम्स जो होंगे वो फ्लिपर्स से मॉडिफाइड होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इस पे टर्टल में भी ऐसा था, फोर लिम्स फ्लिपर्स बन रहे थे केलॉन में, और एप्टिनोडाइट्स में भी ऐसा ही है, तो ये कौन से टाइप की वो शो कर रहे हैं, इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट। कौन से टाइप के ऑर्गन्स इनके पास, होमोलोगस या एनालोगस? एनालोगस। मैमेलिया, मैमेलिया की सबसे खास बात क्या है, सबसे प्यारी बात है, मैमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन जॉ, हेट्रोडोंट, इसके अलावा थीकोडोंट डेंटिशन भी है। स्पेशल एक और फीचर है, दे हैव डायफ्राम लंग्स, जिनके पास डायफ्राम है जो कि कहीं और प्रेजेंट नहीं है। ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स में दो, एक एग्जांपल तो है ऑर्निथोराइंकस, इसके अलावा एक और एग्जांपल है टैकीग्लोसस। मैं नहीं लिखा, इसके अलावा एक और एग्जांपल है टैकीग्लोसस, जिसका नाम
उनकी तरह मिलता जुलता है, जो टंग वॉर्म्स थे ना, सैकोग्लोसस और बेलानोग्लोसस, इसलिए इसका नाम बता रही हूँ। इसके अलावा मार्सुपियल्स पता है ना क्या होते हैं, जो कि पाउच्ड मैमल्स होते हैं, जिनके पास पाउचेस होते हैं, जिनके बच्चे लेस डेवलप्ड पैदा होते हैं, उन्हें अपने पाउच में रख के उनकी फर्दर डेवलपमेंट करते हैं। उसका एग्जाम्पल कौन है? ऑब्वियसली कंगारू, जिसका नाम क्या है? मैक्रोपस। तो स्पेशल बात यहाँ पे ये है कि एग्जाम्पल्स याद रख लेना इनके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम? टेरोपस एंड ऑर्निथोरैंकस विविपैरिडी, अभी हमने देखा था ऑर्निथोरैंकस विविपैरस है या ओविपैरस है? ओविपैरस है। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल थ्री चैम्बर्ड हार्ट, क्रोकोडाइल के पास तो फोर चैम्बर्ड होते हैं। एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये दोनों ही कौन है? एस्केलमेंथस है, वहाँ पे आई है क्या मेटामेरिज्म? नहीं आई। एनलिडा में स्टार्ट होती है। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड, दोनों ही क्या है? ऑस्टिक्टीज में आते हैं, और ऑस्टिक्टीज तो है ही कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड कौन कौन है? सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? डी वाली ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू विदाउट एक्सेप्शन, बताना कौन सा सही है? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्टीज, विविपैरस मैमेलिया, पोजेस अ माउथ विद अ लोअर विद अ अपर एंड लोअर जॉ कॉर्डेट, थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टिलिया। तो देखो इसमें तो एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का, इसमें एक एक्सेप्शन है मतलब कॉर्डेट्स में वो जॉलेस फिशेज भी आती हैं तो उनका भी एक्सेप्शन है, विविपैरस मैमेलिया में एक्सेप्शन है ऑर्निथोरैंकस का, तो ये सही हो गया। कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन तो सारी कॉन्ड्रिक्टीज के पास है ही। Which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals? Ossified endoskeleton. Ossified मतलब पता है ना fully 100% bony होगा। Ossified कुछ नया वर्ड नहीं है, मतलब bony skeleton होगा, तो वो तो होगा ही। हमारे में कौन सा? Cartilaginous skeleton है। Breathing using lungs, viviparity and warm-blooded nature. तो birds अंडे देती हैं या फिर बच्चे देती हैं अपने, obviously हम मुर्गी का अंडा खाते हैं तो viviparous तो हो नहीं सकती। This feature is not shared by birds and mammals. Which of the following is not viviparous? Elephant, platypus, whale, flying fox. तो obviously हमारा Perry the platypus अंडे देता है। फ्री पैरस वही पैरस बहुत पेशेंट आते हैं, देख रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन? कैरेटिस्टिक माउथ वेंट्रल है, गिल्स विदाउट ओपरक्यूलम, स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। तो क्वांटिटीज में ऐसा होता है, ठीक है। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, जॉज एबसेंट, इंटेगमेंट विदाउट स्केल्स, पेयर्ड अपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस थे क्या? वहाँ पे पेयर्ड फिन्स एबसेंट थी, तो ये तो गलत हो गया। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्स फॉर्म विंग्स, लंग्स विद एयर सैक्स। Bodies covered with feathers, moist skin, glandular, four limbs form wings, lungs with air sacs. तो एव्स में उन्हें पढ़ाते कि स्किन में कोई भी टाइप का ग्लैंड नहीं होता एक्सेप्ट फॉर ऑयल ग्लैंड एट टेल बेस। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिना, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, मैमेलिया। इसमें अगर हम देखें तो बात सही लग रही है, लेकिन हेयर ऑन बॉडी एक्वेटिक मैमल्स में एबसेंट होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन में कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलता। मैच द नेम ऑफ एनिमल वन, एनिमल फ्रॉम कॉलम वन विद वन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम टू एंड द फाइलम ऑफ क्लास टू विच इट बिलोंग्स। ओके, इथियोफिस टेरेस्ट्रियल है, रेप्टिलिया है, लाइमिलस ऐसे ही बताना, लाइमिलस बॉडी कवर्ड बाय कार्टिनस एक्सोस्केलेटन, लाइमिलस कौन है? किंग क्रैब है, बिलोंगिंग टू पाइसेस, एडामसिया रेडियली सिमेट्रिकल, पोरीफेरा। एडामसिया क्या है? सी एनिमॉन। सी एनिमॉन किसको बिलोंग करता है? निडेरिया को। सिलेंट्रेटा है, पेट्रोमाइजोन एक्टोपेरासाइट साइक्लोस्टोमेटा। तो देख लो, इथियोफिस क्या है? लिम्बलेस एम्फीबियन है, लाइमिलस क्या है? ऑर्थ्रोपोडा में आता है, एडामसिया क्या है? सिलेंट्रेट में आता है, और पेट्रोमाइजोन क्या है? एक्टोपैरासाइट है, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में आता है, सही है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन विच इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू कॉमन क्लोएका। फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन, एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायंसी, रेप्टाइल्स। वाओ, मरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विद प्लेकॉइड स्केल्स। तो यार ये तो देख के पता चल रहा है कौन है, ये ए ही है, इनके पास तो स्केल्स होते हैं। बी किसका फीचर है? एम्फीबियंस का। सी किसका फीचर है? कॉन्विक्थीज का, ऑस्टिक्थीज का, बोनी एंडोस्केलेटन। और डी किसका फीचर है? कॉन्विक्थीज का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स फाइलम आर करेक्टली मैच्ड? एस्कैरिस बॉडी सेगमेंटेड, एस्कैरिस बॉडी सेगमेंटेड, मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंक्ट। सेगमेंटेशन से यार एनिडा से स्टार्ट होती है, और एस्कैरिस जो है वो एस्केलमेंथस का है। सेलेमेंड्रा अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एम्फीबिया। इसमें कुछ चलती निकाल के दिखाओ। सेलेमेंड्रा एम्फीबिया है, ठीक है, टिम्पैनम ईयर रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, सही बात है। टेरोपस स्किन पोजेसेस हेयर, ओविपैरस मैमेलिया। तो टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, वो तो ओविपैरस हो नहीं सकता, विविपैरस होगा। ऑरेलिया नीडोब्लास्ट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑरेलिया तो सिलेंट्रेट को बिलोंग करती है, वहाँ पे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम ह्यूमंस इन पोजेसिंग पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, थायरॉइड एज वेल एज पैराथायरॉइड।
बाकी ऑप्शन आपने ना सुने, बट सी ऑप्शन मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स तीनों में न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाई कॉन्वेक्स होते हैं और ओवल होते हैं, जबकि हमारे में राउंड, बाई कॉन्केव और ई न्यूक्लिएटेड है। खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।